हेलो फ्रेंड्स, सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए और आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। आज की वीडियो की रिक्वेस्ट की है संगीता शर्मा ने। उन्होंने मुझसे कमेंट करके पूछा कि जो कमेंट उन्होंने लिखा है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, संगीता शर्मा जी का खुद का एक चैनल है, आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो उनकी वीडियोज़ और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उन्होंने मुझे कमेंट किया था मेरी लास्ट वीडियो पे कि दीदी व्हाट इज़ द आइडियल एज फॉर प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू यू, कि वो मेरा व्यू जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी के लिए राइट एज या आइडियल एज क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के लिए कोई भी आइडियल एज नहीं होती है। प्रेगनेंसी या माँ बनना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स होती है एक फीमेल मेल और पूरी फैमिली के लिए। तो जब कोई लड़की माँ बनती है ना, तो सारी फैमिली खुश होती है, बट लड़की के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। सब लोग बच्चे के साथ खेलते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी 24/7 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक लड़की को उठानी होती है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब आप मेंटली फिजिकली रेडी हो माँ बनने के लिए, तभी माँ बनने का फैसला लीजिए। किसी के कहने पे समाज क्या कहेगा, सास ससुर को चाहिए, हस्बैंड जिद कर रहे हैं, ऐसी बातों से ये फैसला नहीं लेना चाहिए। जब तक आप फिजिकली मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक बिल्कुल प्लान मत करिए। जिस दिन आपको लगे कि हाँ अब मैं फिजिकली मेंटली तैयार हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मेरे पास 1-2 साल हैं जो मैं अपने बच्चे को दे सकती हूँ, तब आप माँ बनने की प्लानिंग करें। ये है मेरे व्यूज़। अब मैं बात करूंगी WHO की, मेडिकल साइंस की भी बात कर लेते हैं कि आखिर माँ बनने की सही एज क्या होती है, मेडिकल साइंस क्या कहता है, WHO क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO अर्ली 20s एक लड़की के लिए और एक लड़के के लिए भी आपकी एक क्वालिटी, लड़कों की स्पर्म क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है अर्ली 20s में, तो आप बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कर सकते हो। प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों ही बहुत आसान होती है अर्ली 20s में। अब आप सोचोगे कि दीदी मजाक कर रहे हो, अर्ली 20s, उस टाइम तो हम कॉलेज में होते हैं, अभी तो कॉलेज कंप्लीट करना होता है, कैरियर बनाना होता है और तब हो जाएंगे, 25 और 30 तक पहुंच जाते हैं जॉब करते करते। तो अर्ली 20s में बच्चे के बारे में सोचना तो मतलब पागलपनी है ना, मुझे भी पता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप तैयार हो तब प्रेगनेंसी प्लान करो। हाँ, अर्ली 20s अच्छे होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि 30 के बाद आप माँ बन ही नहीं सकते। 30 होते ही आपका एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी एकदम से ही गिर जाएगी, नहीं, धीरे धीरे कम होती है। और 30s भी अच्छा टाइम होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हो। इवन इसके बाद भी आप सेलिब्रिटीज़ को देख रहे होंगे जो 40s में, अर्ली 40s या 40 के बाद भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और अच्छे से प्रेग्नेंट भी हो रहे हैं, डिलीवरी भी हो रही है। बट एक चीज़ आप ध्यान नहीं देते हैं कि सेलिब्रिटीज़ की जो लाइफ स्टाइल होती है ना, वो हमारी लाइफ स्टाइल से काफ़ी चेंज होती है। वो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, अच्छा डाइट रखते हैं, तो इसलिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप भी अगर लेट बेबी प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले तो बुरी आदतें छोड़ दो, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जंक खाना, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, अच्छी डाइट लो, अपना वेट कंट्रोल में रखो, कोई बीमारी है PCOD वगैरह तो उसकी मेडिसिन लो। सो आप आराम से 30 के बाद भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। अभी कुछ टाइम से नया ट्रेंड निकला है ना कि एग फ्रीज करा के रख लो, मतलब अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते तो अपना एग फ्रीज करा लो, जिससे कि कंपनीज काफ़ी मोटा पैसा भी कमा रही है। ठीक है, एग फ्रीज कराना बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और जितने लोग भी एग फ्रीज कराते हैं ना, उसमें से मुझे लगता है 1-2% लोग ही उसको यूज़ करते हैं, नहीं तो अपने आप ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एग की क्वालिटी अचानक से मतलब 100 से 0 नहीं हो जाने वाली है, वो धीरे धीरे घटती है। भाई 100 है तो 99-98 होगी, डायरेक्ट 0 भी नहीं आ जाएगी, तो क्वांटिटी कम होगी, ख़त्म नहीं होगी। सो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, डॉक्टर की सजेशन लो, कोई अगर मेडिकल इशू है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सो माँ तभी बनो जब आप तैयार हो,
इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सजेशन भी ले सकते हो, आप और आपके हस्बैंड किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, उनसे बैठ के आराम से बात करो कि आपको, आप इस एज में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए, अपना खाना पीना कैसा रखना चाहिए, तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे एंड आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हो। सो मेरी सजेशन यही है कि कोई भी लड़की, स्पेशली मैं लड़कियों को कहती हूँ क्योंकि देखो लड़कों का या फैमिली का थोड़ा टाइम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, बट सारी की सारी जो प्रॉब्लम होती है, जो 9 मंथ प्रेगनेंसी है, जो चेंजेस हैं, हॉर्मोन्स हैं, सब कुछ एक फीमेल को ही करना पड़ता है। और बेबी होने के बाद भी 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बार बेबी प्लान कर लिया तो आप 3-4 सालों के लिए फ्री नहीं होते हो, तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के अच्छे से मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो के बेबी प्लान करिए, वही आपके लिए और आपके बेबी के लिए अच्छा होता है। सो होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा संगीता जी, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे बताइए। आप लोगों को भी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।